नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस महाकवरेज में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। कुछ देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है दिल्ली से, और वो आज प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। और इसकी तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आप सुबह से लगातार देख रहे हैं और आगे भी एबीपी गंगा पर आप देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तस्वीरें दिखाएं, इस वक्त अब तक की 10 बड़ी खबरें देख लीजिए। आज से 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आगाज। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे संबोधित। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है थीम। तवांग में चीन से हुई झड़प के बाद पहली बार आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11 बजे सियांग इलाके में बीआरओ के बनाए पुल का करेंगे उद्घाटन। कुल 4 पुलों का होगा उद्घाटन। आज बिहार दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। मिशन 2024 के लिए फूकेंगे चुनावी बिगुल। वैशाली में करेंगे रैली, हरिहरनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए लोगों का आज होगा अंतिम संस्कार। 2 दिनों में 6 लोगों की हुई हत्या। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कंझावला हादसे में जान गंवाने वाली लड़की का आज होगा अंतिम संस्कार। नए साल के पहले दिन काम से घर लौट रही स्कूटी सवार लड़की की सड़क हादसे में हुई थी मौत। हाथरस में नाली के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, एक युवक की गोली लगने से मौत। सिकंदरा राव कोतवाली इलाके के भुर्रका गांव की घटना। बस्ती में 2 बदमाशों ने युवक की गोली मारकर घायल किया। एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया। रुदौली इलाके के विशुनपुरवा चौराहे की घटना। ग्रेटर नोएडा की पंचशील ग्रीन सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ। पानी की किल्लत को लेकर सोसाइटी में रहने वालों का गुस्सा फूटा। पिछले 2 दिनों से सोसाइटी में नहीं हो रही पानी की सप्लाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।